नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पांडे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नाउ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उभर रही है इंडिया और रूस के बीच में, और इन द फ्यूचर इसमें बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिल सकते हैं। और ये न्यूज कुछ हद तक इंडिया आर्मेनिया के रिलेशन खराब कर सकती है या इंडिया और रूस के रिलेशन खराब कर सकती है। इवन दो तनाव आ जाएगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में, क्योंकि ऐसी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। हुआ क्या है कि एक आर्टिलरी 155 एमएम की जो एक पुलिस मशीन से फायर की जा रही है, उसका वीडियो वायरल हुआ है यूक्रेनियन सोल्जर्स के द्वारा। इसमें इंडिया का नाम कहां से आ रहा है? देखो, इंडिया की जो म्यूसन इंडिया लिमिटेड नाम की एक स्टेट ओन कंपनी है, वो इस तरह के आर्टिलरी बनाती है 155 एमएम के, सेम कलर के, सेम स्ट्रिप के, सेम वैसे जैसे वहां पे देखा गया वीडियो में। अब जितने ओपन सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इंडिया का म्यूसन है, तो ये यूक्रेन की आर्मी के पास कैसे पहुंच गया रसिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए? अब इंडिया डायरेक्ट तो यूक्रेन को बेचेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? इंडिया ने दो देशों को बेचा था, एक खाड़ी देश और दूसरा रहा आर्मेनिया। तो आर्मेनिया जो है वो अपने आप में इंडिया से बहुत बार मदद मांग चुका है, लेकिन आर्मेनिया को पीछे छोड़ना चाहते हैं यूएसए और तुर्की साथ साथ में और सारे बहुत से देश मिलके कि इसको हटा दो, इसको एक तरह से प्लेस्टाइन जैसा ही मुद्दा बना दो। लेकिन इंडिया ने इसमें एंट्री ले ली और बहुत सारे आर्मेमुनेशन आर्मेनिया को बेच दिए। तो बात ये आ गई कि अमेरिका का ये प्लान कैंसिल हो गया। आर्मेनिया को वो हर्ट इसलिए करना चाहता है क्योंकि आर्मेनिया जो है ना, वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है ईरान और रूस के बीच में। अगर आर्मेनिया कब्जा हो जाता है तो ईरान डायरेक्ट एंट्री नहीं पा सकता यूरोप में, ये बात आपको मैप देख के साफ पता चल रही होगी। तो अमेरिका हमेशा से चाहता है कि आर्मेनिया को कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि वो डायरेक्ट एंट्री ना दिलवा सके ईरान को, रूस में या यूरोप में। लेकिन आर्मेनिया के इस मुद्दे में इंडिया कूद गया और इंडिया ने आर्मेमुनेशन प्रोवाइड करवा दिया आर्मेनिया को और अच्छे से सपोर्ट करने लगा। तो जो 155 एमएम की ये आर्टिलरी थी, ये म्यूसन इंडिया लिमिटेड की, ये इंडिया ने सप्लाई किया था आर्मेनिया को, और अगर वो यूक्रेन में मिल रहा है और इसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज आर्टिकल छाप रही हैं, तो इससे क्या होगा? तो इंडिया को इससे गुस्सा आएगा और इंडिया कहेगा कि हमारे अलाई के अगेंस्ट हमारे ही हथियार यूज करवा रहे हो आप, इस तरह से हमने आपको बेचा था, आपने इसको यूक्रेन को क्यों दे दिया? हो सकता है कि ये ट्रैप हो एक तरह से यूएसए का, इस तरह से म्यूसन का वीडियो बनवा लिया और उसके बाद में वायरल करवा दिया और उसके बाद में आर्टिकल भी छपवा दिया। यूएसए कुछ भी कर सकता है इस सब मामले में। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि इंडिया इन द फ्यूचर आर्मेनिया को इस तरह के हथियार नहीं बेचेगी और ट्रस्टवर्थी पार्टनर नहीं मानेगी, और अगर ट्रस्टवर्थी पार्टनर नहीं मानेगी तो आर्मेनिया को और हथियार देने वाला कौन है? क्रिश्चियन वर्ल्ड हथियार देगा नहीं, और मुस्लिम वर्ल्ड इस तरह के हथियार बनाता नहीं रहा है। एक टर्की जो अच्छे खासे हथियार बना लेता है वो उसके अगेंस्ट ही है, तो फिर कौन इसका सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। रूस क्या है, वो दोनों को बेचता है आर्मेनिया अजरबैजान को, जिसके पास पैसा है वो रूस को दो, वो दोनों को हथियार दे देगा, दोनों लड़ेंगे मरेंगे, बाद में जाके बीच भराव करवा देगा, फिर पैसा हो जाएगा, फिर दो, फिर हथियार देगा। रूस को इस चीज़ से मैटर नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया और रूस के रिलेशन भी इससे खराब हो सकते हैं, क्योंकि रूस को अगर एक बार ये लगा कि ये तो इंडिया में बना हुआ हथियार हमारे अगेंस्ट यूज हो रहा है, तो रूस इंडिया की गवर्नमेंट से कहेगा भाई ये क्या करवा रहे हो। ऐसे में अमेरिका बहुत अच्छा टर्म खेल रहा है आर्मेनिया को नीचा दिखाने के लिए, और जो इंडिया की क्रेडिट है वर्ल्ड स्टेज पर उसको डाउन करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए किसी भी ऑफिशियल्स ने ये नहीं कहा है कि ये इंडिया का म्यूसन है, बट जो म्यूसन इंडिया लिमिटेड है उसकी वेबसाइट पे जो फोटो है और जो वहाँ वायरल हुई हथियार की वीडियो है वो सेम है, पूरी तरह से सेम है। 155 एमएम का जो आर्टिलरी है वो एकदम सेम है और वो यूक्रेन के सोल्जर्स यूज कर रहे हैं। तो इससे आर्मेनिया के ऊपर दबाव डालेगा इंडिया कि ये हथियार वहाँ कैसे पहुँच गए, क्योंकि यूएई वगैरह नहीं देंगे, ये बात साफ है, यूएई यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, वो तो रूस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। खाड़ी देश तो वैसे ही क्लोज होते हैं, ओपेक प्लस में रूस भी आता है और बहुत आराम से उन लोगों का रिलेशन है। और देखो, ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान का भी हथियार मिला था यूक्रेन के आर्मी के हाथ में, उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज हो हल्ला नहीं कर रही थी, इतना आर्टिकल नहीं छाप रही थी, बट जब इंडिया का मिलेगा या इस तरह से इंडिया के हथियार जैसा दिखने वाला वहाँ हथियार मिलेगा तो वो लोग बहुत हो हल्ला करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं या तो रूस इंडिया के रिलेशन खराब हो जाए या इंडिया आर्मेनिया के रिलेशन खराब हो जाए, और जो ये रास्ता जाता है आर्मेनिया के बीच से होकर यूरोप में ईरान के लिए, ये बंद हो जाए। वो कैसे बंद होगा? इंडिया सपोर्ट करना बंद कर देगा आर्मेनिया को, हथियार देना बंद कर देगा, और कोई हथियार दे नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली अजरबैजान कब्जा कर लेगा, बात खत्म।